दंगल में आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हिंदू आतंकवाद पर कांग्रेस देश से माफी मांगेगी, क्या भगवा आतंक केवल एक चुनावी जुमला था, क्या सीबीआई की तरह एनआईए भी सरकारी तोता है, मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में अगर सब बरी हो गए तो 9 लोगों को मारा किसने था, और क्या वाकई एक साजिश के तहत हिंदुओं को बदनाम किया गया। आज का दंगल इन्हीं सवालों पर। जिसे 2010 में हिंदू आतंकवाद का चेहरा बताकर खूब राजनीति हुई थी, उस असीमानंद को कोर्ट ने बरी करने में सिर्फ 2 मिनट का वक्त लिया। ट के मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो एनआईए के 10 सबूत पूरी तरह नकार दिए गए। कोर्ट ने असीमानंद को तो बरी किया ही, कटघरे में खड़े देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, भरत भाई और राजेंद्र चौधरी भी बरी हो गए। कांग्रेस पार्टी से हम सवाल पूछना चाहते हैं, कैंडल लेके क्या आज राहुल गांधी 12 बजे क्षमा याचना करने के लिए इंडिया गेट में आएंगे या वो नहीं आएंगे? एक केस के लिए हम हिंदू टेररिज्म बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं, हमको मालूम नहीं है। आपके सरकार के कई मंत्रियों ने तब कहा था, आप उसको पूछो जिन मंत्रियों ने पूछा था, मुझे क्यों पूछ रहे हो आप? मैंने बोला था क्या? जिस तरह से सरकार उनका उपयोग कर रही है विपक्ष को डराने के लिए, धमकाने के लिए, झूठ को सच करने के लिए, सच को झूठ करने के लिए, ये तमाम चीजें आज से नहीं, जब से नई सरकार 4 साल से आई है, हर केस में ऐसा होता चला जा रहा। 2010 में केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर पी चिदंबरम ने पुलिस प्रमुखों की बैठक में भगवा आतंकवाद से सावधान रहने की नसीहत दी थी, तो गृह मंत्री रहते हुए सुशील शिंदे ने भी 2013 में आरएसएस बीजेपी पर हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। एक तरफ हम इस देश में शांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, माइनॉरिटी पर कई वक्त इनजस्टिस भी होता है वो भी देखा जा रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी बीच में ही हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं, इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद बात, स्पोर्ट, मालेगांव का स्पोर्ट, इसमें अभी सब दिख पड़ रहा है, एक एक दिख पड़ रहा है कि वहां जाके बॉम्ब प्लांट करना, और ताकि ये माइनॉरिटी के लोगों ने किया है इस प्रकार का बताना, इसके लिए भी हमें बहुत सतर्क रहना। जाहिर तौर पर अब जब हिंदू आतंकवाद नाम से प्रचारित हुए मामले में आरोपियों को कोर्ट से राहत मिल रही है, तो अब ये सवाल उठेगा ही कि क्या कांग्रेस ने जानबूझकर ये जुमला गढ़ा था, और क्या पार्टी अब माफी मांगेगी? आशीष पांडे, हैदराबाद, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ पवन खेड़ा हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मौलाना असद खान फलाही हैं, जो इस्लामिक जानकार हैं। हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कर्नल आरएसएन सिंह हैं, रिटायर्ड, जो कि रॉ के पूर्व अधिकारी रहे हैं। और हमारे साथ आरवीएस मणि हैं, पहले कुछ मिनट ही रहेंगे, वो पूर्व अंडर सेक्रेटरी हैं गृह मंत्रालय के, और आज खास तौर पर इस मामले का फैसला आने के बाद लगातार चर्चा में है। क्योंकि आरवीएस मणि, आप ये कह रहे हैं कि आपको पहले से अंदेशा था ऐसा होगा, क्योंकि इस मामले में गलत चीजें प्लांट की गई थी, किस आधार पे आप ये कह रहे हैं? बस एक भी खुफिया सूचना हमारे पास नहीं थी जो कहे कि हिंदू आतंकवाद के, वो देखिए खुफिया सूचना होम मिनिस्ट्री और इंटरनल सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी है, उसमें एक भी खुफिया सूचना ऐसे नहीं आए 2010 जून तक की, मैं बात बता रहा हूँ कि खुफिया सूचना नहीं थी। बाकी
इंडिविजुअल केसेस में इन्होंने, अच्छा दूसरी बात ये जो है ना मक्का मस्जिद का पूरा केस देके 2007 के बाद जब सीबीआई को पहले पुलिस के बाद सीबीआई को दे दी गई थी तो उस वक्त दो नाम के ऊपर काफ़ी एविडेंसेस इकट्ठे किए थे सीबीआई ने। ये दो नाम थे, एक मोहम्मद शाहिद उर्फ बिलाल और दूसरा आदमी था शरीफुद्दीन उर्फ हमजा। ये बांग्लादेशी था शरीफुद्दीन और ये हरकतुल जमात इस्लामी बीडी का था और ये भी लश्कर ए तैयबा के साथ था। तो इन लोगों के ऊपर काफ़ी उनका जो साइंटिफिक एविडेंसेस क्रिएट करने के बाद ये किस आधार पे 2010 पे इसको एनआईए को दिया गया था, क्यों दिया गया था, इसका कोई भी कारण, क्योंकि तत्कालीन मंत्री के पास पूरे पावर्स थे, उन्होंने उस पर कोई उन्होंने एनआईए को दिया। उसके बाद पूरा नरेशन चेंज हो गया और इसको भगवा आतंकवाद का एक नया नाम दिया गया था। उस नाम में चार पांच केसेस को इकट्ठा करके बोला कि ये सब भगवा, अब समझौता ब्लास्ट को ही ले लीजिएगा, आरिफ कस्मानी बड़ा क्लियर प्रोपेगेटर है, पूरा दुनिया कह रही है आरिफ कस्मानी है, खुद कह रहा है आरिफ कस्मानी कि एक टेरर प्रोपेगेटर है, मगर हमारी उनका तत्कालीन सरकार कहती नहीं है भगवा आतंकवाद है, जो भी असीम आनंद या जो भी गुप्ता या शर्मा जो भी था कहते इन लोगों ने किया। इससे क्या हुआ, इससे क्या, जो असली आरोपी को बचाने का ये एक षड्यंत्र लगता है मुझे तो। आरवीएस मणि, इसमें भगवा आतंकवाद को आगे बढ़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस समय, आप अगर हमारे साथ रहें कुछ मिनट और तो हम सुनवाते हैं असदुद्दीन ओवैसी इस मामले पर क्या बोल रहे हैं, जरा उनको सुनिए लाइव। सो प्लीज डू नॉट ट्राई टू अननेसेसरी ज्वाइन द हिंदू रिलीजन विद इट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हिंदू रिलीजन एंड दीस पीपल। I only want to ask BJP, are they trying to say that Hemant? तो सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी इसी मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आरवीएस मणि कह रहे हैं कि कोई ऐसे इनपुट नहीं थे इंटेलिजेंस के, फिर भगवा आतंकवाद का नाम इसे दिया गया। क्या आरवीएस मणि आप ये कह रहे हैं कि इसके पीछे राजनीति थी और उस समय की सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया? आरबीएस मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, आप ये कह रहे हैं कि उस समय की सरकार ने जानबूझ के ऐसा किया हिंदू टेरर पे जोर देने का काम? हाँ मिल रही है आरबीएस, मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद आरबीएस तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल उन्होंने जितनी बातें कही हैं पवन खेड़ा, उसके बाद क्या आप उस समय के अपने गृह मंत्री को क्लीन चिट देते हैं कि नहीं ये प्लान करके चीजें नहीं की गई थी और जो सबूत थे उन्हीं के आधार पर की गई थी? रोहित जी, जी इसमें मैं दो तथ्य आपके सामने पेश करूंगा। 11 फरवरी 2011 सर कार्यवाह श्री सुरेश भैया जी जोशी ने एक पत्र लिखा मनमोहन सिंह जी को। उस पत्र में वो लिखते हैं कि महाराष्ट्र एटीएस के पास एक सबूत है कि कर्नल पुरोहित एवं दयानंद पांडे आतंकवादी घटनाओं के अलावा संघ प्रमुख मोहन जी भागवत एवं इंद्रेश कुमार की हत्या की भी साजिश रच रहे थे। यह भैया जी जोशी का पत्र है मनमोहन सिंह जी को, 6-7 पत्र पृष्ठ का यह लंबा पत्र है। यह उस वक्त आरएसएस ने हमें 2011 को ताकीद किया था कि देखिए ये हमारी भी हत्या की साजिश रच रहे हैं। आज आरएसएस तय करे कि कर्नल पुरोहित के वक्त के उस वक्त वो खिलाफ थे या आज उसके साथ हैं, ये आरएसएस तय करेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि 21 जनवरी 2013 ने हिंदू आतंकवाद का जुमला बढ़ा था। एक सेकंड हाँ आप दोनों मेरी बात रखें, मेरी बात समाप्त हो जाए, दो तथ्य कहे थे, एक और रखें दूसरा भी रखें। 21 जनवरी 2013 को उस वक्त के गृह सचिव आरके सिंह का स्टेटमेंट आया कि जो 10 लोग हैं ये आरएसएस से जुड़े हैं। आज वो माफी मांग ले आरएसएस से, आज मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, पहले वो माफी मांगे कि उन्होंने आरएसएस का नाम क्यों लिया था उस वक्त। मतलब आरके सिंह माफी मांगेंगे तो आप अपने गृह मंत्री से माफी मंगवा लेंगे? करने वाले सबसे ज्यादा
नहीं नहीं पहले आप ये पहले आर के सिंह माफी मांगे फिर बात करेंगे। नहीं वो ठीक है, पहले भैया जी जोशी उस पत्र पे स्पष्टीकरण दे फिर बात करेंगे। आपने आरएसएस के कहने से भगवा आतंकवाद का जुमला किया था इस्तेमाल, आपके मंत्रियों ने आरएसएस के कहने से भगवा आतंकवाद का जुमला इस्तेमाल किया था ये चिट्ठी पढ़ने के बाद। आर के सिंह आला अफसर थे, आला अफसर थे आर के सिंह, गृह सचिव थे, इनपुट तो अफसर ही देता है मंत्री को। जब आर के सिंह का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, टीवी बाइट है, हमारे पास भी है, आपके पास भी है, 21 जनवरी 2013 की, तो आप पूछिए उनसे ये प्रश्न, उनसे पूछिए। तो आर के सिंह के कहने से कि उन्होंने क्यों कहा था, आपके मंत्रियों ने कह दिया कि इस देश के हिंदू आतंकवादी हैं, भगवा आतंकवाद है इस देश में, जो हमारे मंत्रियों ने कहा उसका उत्तर आपको मिल जाएगा, पहले इसका उत्तर मुझे दिलवाइए। ये तो अच्छा है सर, इनके यहां मंत्री बैठे हैं, ये अच्छा है सर, पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने ऐसा कर दिया था, ये कोई फिल्म नहीं चल रही है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, इनसे नहीं पूछना सर, एक सेकंड, आप सुधांशु त्रिवेदी आपके बगल में बैठे हैं बिल्कुल दूसरी खिड़की में दिख रहे हैं, अभी उनका भी नंबर आएगा, लेकिन पहला सवाल आप ही से, क्योंकि आपकी सरकार के रहते ये जांच एनआईए को दी गई और गृह मंत्री का अधिकारी रहा हुआ वो एक आदमी कह रहा आरबीएस मणि आपके पास बैठ के कि साहब सरकार ने पता नहीं क्या सोच के किस साजिश के तहत ये प्लान कर लिया बिना किसी इनपुट के कि इसको हिंदू आतंकवाद के तहत जांच की जाए, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो भी एक जुमला था, आप बोल दीजिए जुमला था, बात ही खत्म हो जाएगी। मणि साहब, मेरी बात, आरवीएस मणि साहब के जो बॉस थे उनकी टिप्पणी मैंने आपको बताई, जो गृह सचिव थे भारत सरकार के, छोटा पद नहीं होता, बहुत बड़ा पद होता है, एनआईए या तो तब गलत थी, आजकल आज इस देश को गृह सचिव चला रहा था, गृह मंत्री चला रहा था सर, हो जाते हैं 64 सर, देश को गृह सचिव चलाता है, गृह मंत्री चलाता जो है, गवाह है मुकर जाते हैं, तो अब ये तो आप बताइए, ये आप बताइए कि एनआईए या तो तब गलत थी सर, नौवीं पास तो गृह मंत्री नहीं बैठा है ना, कि अफसर कुछ भी कहता था और वो बोल देते थे, और या आर के सिंह, नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है, अफसर की भी एक कीमत होती है, आप अफसर को अंडर एस्टिमेट सर, हमने तो शिवराज पाटिल से भी पूछा आज, मंत्री के पास बाद में जाती हैं, उन्होंने कहा कि मेरे से क्यों पूछ रहे हो, जिसने शब्द इस्तेमाल किया था उससे पूछो, वहां आती हैं, हाँ तो आप पूछिए, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं आर के सिंह आज मंत्री क्यों है, मंत्री है तो पहले माफी मांगे, मुझसे नहीं सर, हम सबसे भी देश, ये मुझसे नहीं, सुधांशु त्रिवेदी से पूछेगा पहली चीज, अब भैया दूसरी चीज सर, ये तरीका बहुत बढ़िया है, जब अपने पे सवाल आए तो दूसरे से सवाल पूछना शुरू कर दो, लिखा था लेकिन इस देश की जनता जिसने बार बार ये कहा कि साहब आप एक समुदाय को आतंकवादी क्यों कह के संबोधित कर रहे हैं, जबकि आप खुद कहते आए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो आप किस वोट बैंक को एड्रेस कर रहे थे, सुधांशु त्रिवेदी, किसी समुदाय को सुधांशु त्रिवेदी सर, आज कह रहे ना सर, आज कह रहे ना, ये बात आपने सुशील शिंदे के सामने नहीं कही जब वो कांग्रेस के सेशन में बोल रहे थे, माफ कीजिएगा, आपने सुशील शिंदे से नहीं कहा जब वो कांग्रेस के सेशन में बोल रहे थे, और संघ में भी अच्छे लोग हैं, सुशील शिंदे से नहीं कहा था कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता जब वो कांग्रेस के सेशन में बोल रहे थे, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, इंद्रेश जी के बारे में टिप्पणी की गई, सुधांशु त्रिवेदी, इंद्रेश जी के बारे में खुद भैया जी जोशी ने लिखा, सुधांशु त्रिवेदी, कर्नल राज पुरोहित कह रहे हैं, मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी है, आरएसएस पर वो जवाब देंगे, आप बीजेपी पर जवाब दें जो वो सवाल उठा रहे हैं, क्या आर के सिंह माफी मांगेंगे, गृह सचिव थे उस समय, आज आपके मंत्री हैं, और वो कह रहे हैं कि आर के सिंह ने कहा था इसलिए मंत्री ने बोला। पवन खेड़ा जी ने जो डेट बताई, जरा अपनी डेट चेक कर लें, अरे भैया अब हम बोल रहे हैं, बोलिए, पवन खेड़ा जी ने जो डेट बताई वो अपनी डेट चेक कर लें, यही जनवरी 2013 का सुशील कुमार शिंदे का स्टेटमेंट है, जब उन्होंने कहा मेरे पास वो रिपोर्ट्स हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप में आतंकवादी गतिविधियां की जा रही हैं, और जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे पूछा गया, सुषमा स्वराज जी ने कहा यह गृहमंत्री का बयान है, गृहमंत्री वो रिपोर्ट प्रस्तुत करें सदन के पटल पे, तो आपको बताए भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा विचित्र माहौल हुआ कि गृह मंत्री ने कहा नहीं वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। तो बहुत साफ है कि सरकार की मंशा क्या थी, गृह मंत्री जो चाह रहे थे वो गृह सचिव से बुलवाया जा रहा था, आरवीएस मणि उसका प्रमाण दे चुके हैं सर, क्योंकि इशरत जहां के केस में भी सुधांशु जी जब एफिडेविट बदला गया, अगर और आप, हमारी सरकार आने के बाद कह रहे वो फाइलें मांगी गई सचिव से बुलवाया जा रहा था, आधार पे बदला गया सर, तो वो फाइल ही गायब थी सर, अगर आप ये कह रहे हैं गृह सचिव से बुलवाया जा रहा था, बदला था गृह मंत्री ने, सुधांशु जी फाइल गायब थी और आरवीएस मणि ने कहा कि वो फर्जी आधार में बदला गया था सर, सुधांशु जी अब मैं दूसरा बात उदाहरण देखिए, मुझे आप उन्होंने अनइंटरप्टेड बोला, मुझे भी आप एक ठीक है आप बोल लीजिए 40 सेकंड और, मैं एक फैक्ट और रखना चाहता हूं, रख लीजिए, ये मक्का मस्जिद का केस गया 400 हुई 2012 में, अनइंटरप्टेड नहीं था, माफ कीजिएगा, आईएनए को गया 2011 अप्रैल, ठीक है,
हाँ ने मैंने प्रश्न पूछा ना, सुशील कुमार शिंदे देश के पहले गृह मंत्री, जिसने कहा मैंने ऐसे ही बोल दिया। आपकी सरकार में पहली बार ऐसा मजेदार वाकया हुआ कि देश की दो एजेंसीज सीबीआई और आईबी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। मतलब आईबी कह रही इशरत जहां आतंकवादी, सीबीआई कह रही, पहले कह रही सर मक्का मस्जिद में, आप कह रही जी आज मक्का मस्जिद में, आपके ही जमाने में ऐसा हुआ सर, कि समझौता एक्सप्रेस में पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कह रही पाकिस्तान का हाथ, फिर वो यू टर्न लेती है कहती हिंदू आतंकवाद। और मैं एक बात कहता हूं जो किसी भी आम आदमी को समझ में आएगा, ये 2007 का केस, 2014 तक आप चार्जशीट क्यों नहीं कर पाए? अगर हकीकत में आतंकवाद होता है ना तो 2009 में अजमल आमिर कसाब ने किया था, आप खुद कहते हैं 2013 में आपने फांसी पे लटका दिया चार साल में, यहां भैया सात साल में चार्जेस नहीं फ्रेम हो पाए। ठीक है, क्योंकि चार्ज का आधार होता तब ओके, फ्रेम होता ना, वो क्यों नहीं फ्रेम हो पाए? ओके, क्योंकि चार्जशीट आती 2012 में, एनआईए वो केस ट्रांसफर होता 2011 में, मगर फ्लोर ऑफ द हाउस पे चिदंबरम दिसंबर 2008 में बोलते हिंदू आतंकवाद। ठीक सुधांशु, 2010 में दिग्विजय सिंह कहते हैं कि 26/11 इज आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। ओके भैया, ये चार्जेस फ्रेम होने से पहले, केस ट्रांसफर होने से पहले आपके नेता हिंदू आतंकवाद कैसे? ठीक सुधांशु जी, अवनी जी श्रीवास्तव के पास जा रहा हूं, थोड़ा सा रुकते हुए आपको सुधांशु जी, आप शायद आपको आवाज ठीक से सुन नहीं रही है, आप थोड़ा सा रुके। अवनी जी श्रीवास्तव, आरएसएस की चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं पवन खेड़ा, क्या सफाई है जी? बोलिए जी। पवन खेड़ा जी, आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आरएसएस के किसी अधिकारी की चिट्ठी को बहुत अधिकारी मान रहे, अधिकारिक मान रहे हैं ये। पहली बात तो ये कि अगर इनको लगता है ऐसा कि जो इनके मंत्री ने कहा था, गृह मंत्री ने कहा था, आज भी कहें ना कि हिंदू आतंकवाद है, कहें आज कि नहीं हिंदू आतंकवाद था। इनके मंत्री ने, गृह मंत्री ने वापस ले लिया शब्द, मुझे समझ में नहीं आता। और ये सर आप कह रहे हैं कि मक्का मस्जिद का अकेले का मसला, अकेले का मसला नहीं है ये, इनके दिग्विजय सिंह ने तो 26/11 को आरएसएस की करतूत बताया था। ऐसी कांग्रेस पार्टी जिसमें आरएसएस मनी ने एक बार कहा था कि वहां पर दिग्विजय सिंह गृह मंत्रालय में आकर के बैठ जाते थे और वो जो कहते थे वो हमें लिखना पड़ता था, ये ऐसी हालत थी। इशरत जहां के केस में फाइल बदली गई, फाइल मिल नहीं रही है, रिपोर्ट बदली गई, ये एक केस है क्या? और हिम्मत है तो कहे ना कि हां हमने कहा था हिंदू आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद है, पहली बात। दूसरी बात यह कि इन्होंने कहा कि जब भैया जी जोशी ने यह कहा था तब इन्होंने, उसके बावजूद यह कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी की कैंप लगा रहे हैं। आप जब मर्जी भैया जी जोशी के पत्र को उद्धृत भी कर लेंगे और यह भी कहेंगे कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो कैंप लगा रहे हैं। पवन खेड़ा जी कुछ तो शर्म कर लो, एक ही कार्यक्रम में आप दो बातें कैसे बोल सकते हो? आप दो बातें कैसे बोल रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और ये दोहरा चरित्र है, यही दोहरा चरित्र सुना नहीं एक समय रोहित सरदाना जी, दूसरे समय मैंने अगर कैंप का शब्द अगर बोला हो दूसरे समय कुछ और, तो मैं अभी माफी मांग लूंगा। झूठ बोल रहे हैं बैठकर, मस्जिद के सामने टोपी, कौन सा जिक्र किया है? मस्जिद के सामने जनेऊ, एक सेकंड, बेशर्मी से ये झूठ बोलते हैं यहाँ बैठकर। एक सेकंड, और श्याम आपटे किसके अधिकारी हैं? श्याम आपटे की टिप्पणी क्या थी इंद्रेश जी पर? आईएसआई का आरोप किसने लगाया था? किसके आरोप लगाया था आपके आरएसएस के बड़े नेता लड़ते एक घंटा निकाल देंगे, मुझे पता शास्त्री है इसमें, और श्याम आपटे दोनों लोग जाइए, आपके प्रधान दोनों लोग जाइए, दोनों लोग जाइए, भैया जी जोशी ने पत्र बड़ी बेशर्मी से आकर उसको आप उद्धृत कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता आप लोगों की आवाज बंद करना, अच्छा नहीं लगता मुझे भी, लेकिन बंद करनी पड़ेगी। एक करके एक सेकंड पूछे भैया जी जोशी से क्या कहा था? और मैंने कोई टेरर कैंप का नाम नहीं लिया, बताइए ना, मैंने कोई कैंप का नाम नहीं लिया। एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड भैया जी जोशी से झूठ बोल रहे हैं आप, विजय जी इसको झूठ बोल कर आप गुमराह कर रहे हैं। अवनी जी श्रीवास्तव, पवन खेड़ा तो प्रधानमंत्री ठीक है, आप दोनों की आवाज बंद कर रहे हैं, फिलहाल सुनने के लिए मैं जा रहा हूं आरएसएस जी के पास सवाल पूछने के लिए। आप दोनों की आवाज बंद है, प्लीज बताते आरएसएस सिंह, एनआईए जैसी जांच एजेंसी को जब जांच सौंपी जाती है तो ये सोच के दी जाती है कि भाई ये इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, या ये सोच के दी जाती है कि जिनको आरोपी बनाया बाकी एजेंसियों ने उनको बचा के लाएंगे? ये अगर आज एनआईए कह रही है कि इन लोगों ने नहीं मारा तो किसने मारा ये बताने की जिम्मेदारी किसकी है? नौ लोगों को नहीं, देखिए ये ऐसा नहीं कि ये नहीं मालूम है किसने मारा, किसने समझौता करवाया, किसने मक्का मस्जिद करवाया, या ऐसा तो नहीं है कि नहीं मालूम है। जो कल्प्रिट्स हैं उनके नाम हैं, आप देखें समझौता ब्लास्ट में दो पाकिस्तानी पकड़े गए थे,
नागौरी का जब वो नार्को टेस्ट हुआ था, आप ही लोगों ने, मीडिया वालों ने वो पूरा वो चलाया था, उसका जो नार्को टेस्ट था उसमें उसने साफ दो पाकिस्तानियों के नाम बताए और ये भी बताया कि उनको किस तरह से हिंदुस्तान से भेजा गया। आपने खुद, आपकी जो ये डेविड हेडली की वाइफ है फौजिया अवतलहा, उसने कहा उसमें हस्बैंड का भी हाथ था। आरिफ कासमानी का नाम आया, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट का आरिफ कासमानी का नाम बताया गया। उसी तरह से हुजी का नाम आया, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर जो है उसने हुजी का नाम लिया। अब ये जो हमारे यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं और कई लोग जो मुझे सुन रहे हैं, ये बताओ यार, ये क्या मतलब, ये मैं आज तक ये किसी देश में आपने देखा है कि नहीं नहीं ये पाकिस्तानियों का हाथ तो बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है पाकिस्तानियों का हाथ, ये बांग्लादेशियों का तो हो ही नहीं सकता। हुजी ऐसे लोग जो कह रहे हैं ये बात, क्या इनके इनका हफीज सईद इनका कौन लगता है? हुजी का हेड इनका कौन लगता है? ये किसको बचाने के चक्कर में, मान लो अगर बेनिफिट ऑफ डाउट ही देने की बात है तो आप बेनिफिट ऑफ डाउट आप पाकिस्तान को दोगे, हुजी को दोगे या अपने लोगों को दोगे? ठीक अरसिंह सिंह, इसीलिए ये सवाल उठा है आज लोगों से कि क्या हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद एक राजनीतिक चुनावी जुमला था? आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता ये हर नेता कहता है, लेकिन फिर मक्का मस्जिद के बाद ये कैसे कहा गया कि हिंदू आतंकवादी थे, भगवा आतंकवादी थे? और आज जब अदालत में सभी बरी हो गए हैं तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस माफी मांगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को सुनिए। सीमानंद सहित तमाम आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, सीमानंद सहित तमाम आरोपियों को मक्का मस्जिद जो ब्लास्ट था उसमें बरी कर दिया, किस ढंग से देखते हैं इस फैसले को? मैं तो एनआईए कोर्ट को का स्वागत करता हूं निर्णय का। दुर्भाग्य रहा इस देश में कांग्रेस ने जो भगवा आतंकवाद का एक तरह से हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, गाली देने के लिए ये शब्द का प्रयोग किया। ये आज से नहीं चल रहा है, 1976 में इन्होंने धर्मनिरपेक्ष शब्द को घुसाया, बाबा साहेब अंबेडकर और राजेंद्र बाबू ने नहीं घुसाया था। कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है कि देश को तोड़ना, हिंदुओं को कमज़ोर करना, हिंदुओं को गाली देना, और भगवा आतंकवाद कांग्रेस की देन है। हिंदू कभी आतंकवादी होता नहीं, उसे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कांग्रेस को, राहुल गांधी को। गिरिराज जी, दूसरा सवाल ये, कांग्रेस ने ये कहा है कि एजेंसियों का दुरुपयोग करती है बीजेपी और विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करती है। मैं शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, जो जैसा करता है दूसरों के विषय में वैसा ही सोचता है। संवैधानिक संस्थाएँ जो भी हैं वो संविधान के तहत काम करते हैं। तो कांग्रेस माफी मांगे, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं। कांग्रेस कह रही है पहले जाओ आरके सिंह से माफी मंगवाओ, जो गृह सचिव थे और उन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी। मौलाना सद खान फलाही, पहले आधे घंटे में आपसे सवाल नहीं ले पाया, माफी चाहता हूं उसके लिए। पवन खेड़ा के पास जाऊं उसके पहले, 9 लोगों को मारने वाला कौन है ये तो आज तक पता ही नहीं लगा, तो उनको किसी ने नहीं मारा क्या? देखिए वही हुआ, लगता है कि एनआईए भी तोता है। शुरू के जो अभी हम डिबेट कर रहे थे उसमें एक यही मेन मुद्दा था, ये जो हम जिस पहली बात मैं बताऊं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जिसने भी ये टर्मिनोलॉजी कॉइन करी थी कि हिंदू आतंकवाद या इस्लामिक आतंकवाद, वो कहीं ना कहीं उस मजहब को ले डाउन करने का उसके अंदर इंटेंशन थी, तभी इस तरह की टर्मिनोलॉजी को मार्केट में कॉइन किया जाता। तो आपको ये लगता है कांग्रेस ने राजनीति के तहत ये शब्द कॉइन किया? देखिए दोनों ही, आप वही मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए एक तरफ कांग्रेस ने ऐसी बात करी है जिसने जो उसके पार्टी के जो भी उस वक्त मिनिस्टर्स थे उन लोगों ने इस बात करी कि इस तरह के लोग, देखिए किसी भी मजहब के अंदर एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं या हर कम्युनिटी के अंदर होते हैं, उस एंटी सोशल एलिमेंट को, असामाजिक तत्व को हम पूरी कम्युनिटी के ऊपर अप्लाई करके नहीं देख सकते, ये हमारे को सोचना चाहिए। इसलिए जिसने भी ये कहा कि हिंदू आतंकवादी या हिंदू आतंकवाद हो रहा है वो गलत कहा था, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। अभी यूनाइटेड नेशन से मैं जब भी आया हूँ वहाँ पर भी यही कहा गया कि इस्लाम का मजहब का इसका टेररिज्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब आइए आपके क्वेश्चन के ऊपर कि क्विन एलियन मार के गए या कौन मार के गए उन 8 लोगों को और 60 लोग जो इंजर्ड हुए, जो मजरूह हुए उस ब्लास्ट के अंदर, उनका परपिरेटर, उनका कल्प्रिट, उनका मारने वाला कौन है? ये सरकार का फेलियर है, दोनों ही सरकारें चाहे वो वाली हो या ये हो, दोनों ही सरकार का फेलियर है। इसी वजह से हमारे यहाँ अपराध बढ़ता है, चूंकि अपराधी को सजा ही नहीं दी जाती या अपराधी पकड़ में ही नहीं आता, एब्सकॉन्डिंग उसे बता दिया जाता। तो यहां भी आती है ना कि जब
सवाल उठाने वाले भी सिलेक्टिव सवाल उठाते हैं। इसी एनआईए ने मालेगांव ब्लास्ट की केस में नूरुल हुड्डा, रईस अहमद, सलमान फारसी, फारूक मखदूमी, शेख मोहम्मद अली, आसिफ खान, मोहम्मद जायद और अबरार अहमद नाम के 9 लड़कों को बरी किया। उस दिन किसी ने नहीं कहा आप में से कि जाओ इनके खिलाफ अपील करो, एनआईए तो बिकी हुई है, ये तो सरकार के इशारे पे काम करती है। क्योंकि उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे लोगों को एक्यूट किया गया जिन्होंने 15 साल 20 साल अपनी जिंदगी जेलों में गुजार दी, उसके बाद आखिरी में कोर्ट ने ये कहा कि हम जो हैं इनके पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं है जो इनको हम आतंकवादी मान सके। पवन खेड़ा, भगवा आतंकवाद चुनावी जुमला था, भले आर के सिंह ने दिया, आप लोग इस्तेमाल करने के लिए कूद पड़े मौका देख के। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ जो अभी इस्लामिक स्कॉलर साहब बोल रहे थे कि किसी भी मज़हब के इस तरह से लेबल नहीं लगा देना चाहिए। ये एक अजीब सी परंपरा इस देश में आ गई है कि अगर हम आरएसएस के विरुद्ध कुछ बोलें तो हम हिंदुओं के खिलाफ हो गए। आरएसएस कोई ठेकेदार है हिंदुओं की? किसने बनाया इनको ठेकेदार हिंदुओं का? सर, हमसे बड़े हिंदू हैं यार। कहा था ना आपने आरएसएस आतंकवाद का, अगर मोदी जी के खिलाफ बोल दिए तो राष्ट्र विरोधी हो गए। भगवा आतंकवाद का, भगवा आतंकवाद बोला था, बात समाप्त हो जाने। सुशील कुमार सुंदर ने हिंदू आतंकवादी जैसे बीच में नहीं, प्लीज, हिंदू आतंकवाद बोला था अवनीश जी, प्लीज, अमेरिकी इनवॉइस से राहुल गांधी कह रहे थे कि हिंदू टेररिज्म है, प्लीज अवनीश जी, हिंदू टेररिज्म है। अवनीश जी, या तो आप मुझ पर भरोसा रखिए कि मैं सबसे सवाल पूछने के लिए काबिल हूं। बोले ना ये सर, एक सेकंड, सर एक सेकंड, ये झूठ बोलने में भाई, एक सेकंड अवनीश जी, मैं तभी बोलता हूं बीच में जब झूठ बोल रहे हो। देखिए, बड़ी बेशर्मी से ये व्यक्ति वहां बोलता रहता है, रोहित सरदाना जी, एक सेकंड, ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पवन खेड़ा जी, रोहित सरदाना जी, ये व्यक्ति पवन खेड़ा जी बेशर्मी से वहां झूठ बोल रहा है। पवन खेड़ा जी, और आप इन्हें पवन खेड़ा जी, आपके सामने मैं चुप करा रहा हूँ। आप जो कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो उनके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं बेशर्मी, नहीं, आपके सामने मैं रोक रहा हूँ, उसके बाद आप वही बातें कर रहे हैं जिसके लिए आपको टोक रहे हैं। He's a liar. Please. He's a shameless liar. आप सच बोल रहे हैं क्या? बेशर्मी से आप सच बोल रहे हैं? आपकी सरकार में बैठे हुए मंत्री बच्चे थे जो आरके सिंह के कहने पे चले गए संसद में बोलने के, हिंदू आतंकवाद होता है, भगवा आतंकवाद होता है, और झूठ पे झूठ बोलते बालक थे वो। पहले आप मुझे मेरी बात नहीं बोलो, आपको पता नहीं था आदमी, प्लीज बातों को डाइवर्ट मत कीजिए। आप लोग मुद्दे पे आइए वापस, बोलता रहता है। Who is a liar? अवनीश जी, प्लीज, राहुल गांधी ने जाके खत्म किया। अवनीश जी, पवन खेड़ा जी, मैं आप दोनों को नमस्ते कर दूंगा। आप दोनों के बिना बहस हो सकती है, बहुत ही, और आप दोनों के बिना बहस हो सकती है, मैं आप दोनों को नमस्ते कर दूंगा। अपमान हो गया, प्लीज, ये सेल्फ अपॉइंटेड, नहीं, अगर आपको भाषा की मर्यादा नहीं है, आप लोगों को लगता है कि अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को आप किनारे करने के लिए, डीरेल करने के लिए ऐसी भाषा पर जाकर बहस को हिला सकते हैं, डीरेल कर सकते हैं, तो मैं माफी चाहता हूं। ये आप लोगों की बेहूदगी और बेशर्मी को दिखाता है, प्लीज। बिल्कुल, अगर सेंसिबली आप लोग डिबेट कर सकते हैं तो आपकी आवाज खुले, आप बात करें। अपने ठेका ले रखा है इन लोगों ने, पवन जी आपने ले रखा ठेका, आप ठेकेदार हैं, आप उस बात को छोड़ के मुद्दे पर आने को तैयार नहीं है। रोहित सरदाना जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, पवन खेड़ा जी, वापस सीधा सवाल पूछ रहा हूं। तो आप लोगों ने हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कहा, आरएसएस आतंकवाद नहीं कहा था? नुकसान पहुंचा रही है, हमें नुकसान पहुंचा रही है, मेरे देश की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। पवन खेड़ा जी, आरएसएस से बड़ा दुश्मन हिंदुओं का कोई नहीं है। पवन खेड़ा जी, एक्सपोज होते रहते हैं, पवन खेड़ा जी, आप यहाँ डिबेट आरएसएस पर नहीं हो रही है। आपको चाहिए कि आप आरएसएस पे डिबेट करना चाहते हैं, किसी दिन विषय होगा सर। अगर आप लोगों ने तो बैठाते क्यों इनको? आप क्यों चिट्ठी लेके आए आरएसएस की? फिर ये राजनीतिक चिट्ठी लेके आए थे ना आरएसएस की? आपको इन्होंने लिखकर आप चिट्ठी लेके आए थे आरएसएस की? यहाँ बैठकर क्यों चिट्ठी लेके आए थे ना आरएसएस की? आप उसको तो बचाव में लेके खड़े हो रहे थे, अब आपको बुरा लग रहा है कि आरएसएस बैठे हैं यहाँ पर? सारे मंत्री नहीं, आरएसएस की चिट्ठी को आप सर्टिफिकेट लेके घुमाते हैं, और आरएसएस के प्रवक्ता को आप कहते हैं कि ये देश को तोड़ रहे हैं, राजनीति करती है, ये लिख लिख कर क्यों? अच्छा मुझे बताइए ना, क्यों पटेल को लिख कर इन्होंने कहा था राजनीति नहीं करेंगे? सुनिए ना खेड़ा जी, सांस्कृतिक संगठन है, संस्कृति से रिश्ता जोड़े खेड़ा जी, राजनीति में क्या हस्तक्षेप? खेड़ा जी आप डिरेल हो रहे हैं पूरी तरह से, हर मंत्रालय में हस्तक्षेप, पूरे खेड़ा जी आपको पार्टी ने भेजा है हिंदू आतंकवाद के दाग से बचाने के लिए, आप वो और लगवा जा रहे हैं, प्लीज समझे इस बात को, मुद्दे पे बात करें। आप कह रहे हैं कि आरएसएस को बिठाया, सर्टिफिकेट बांटने वाले सर, नहीं मैं दे भी नहीं रहा आपको सर्टिफिकेट, आप सर्टिफिकेट मुझे देना भी नहीं आपको सर्टिफिकेट सर, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। नहीं आपसे लेना, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पवन खेड़ा जी मेरा भी, देश की जनता का भी, देश विरोधी, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, देश को देश विरोधी वो नहीं था जब आप भाषण दे रहे थे सुशील कुमार शिंदे, ये हिंदू आतंकवादी है, देश विरोधी वो नहीं था जब विकिपीडिया लिख रहा था के राहुल गांधी कह रहे थे कि हिंदू आतंकवादियों से खतरा है देश को, देश विरोधी वो नहीं था जब पी चिदंबरम कह रहे थे भगवा आतंकवाद है, आप बांटते रहते देश को। हिंदू आतंकवाद में फर्क है, अच्छा संघी आतंकवाद, तो आप संघी आतंकवाद बोलते ना सर,
हिंदू आतंकवादी नहीं है। आपने संघीय आतंकवाद बोला था, हिंदू आतंकवाद नहीं होता, आतंकवाद बोला था, ना ही कोई इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म में, हर मजहब में ऐसे संगठन होते हैं जिसमें बैलेंस किया होते हैं कि हिंदू आतंकवाद नहीं होता, फिर आपने तुरंत बैलेंस किया कि इस्लामिक आतंकवाद भी नहीं होता। ओके सुधांशु त्रिवेदी, पर्याप्त समय वो जाया कर चुके हैं। बैलेंस की क्या बात है? ओके सर, ये झूठ है। आप बोल दीजिए कि इस्लामिक सारे आतंकवादी होते हैं। मेरे से तो सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं आपको सर, मेरे से तो सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं ना आपको, तो मेरे से सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं? तो फिर क्यों बिना बात के बोल रहे हैं? सर मेरे से सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं? अरे आप क्या देश को, आप टाइम जाया कर रहे हैं या तो आप तय करके आए हैं कि आज आपको टाइम जाया करना है, तो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। यू आर डिवाइडिंग आप जोड़ रहे हैं ना देश को हिंदू आतंकवाद के। रोहित जी 30 सेकंड देते हैं, बोलिए असद खान पलाही, आप बोलिए। देखिए हमारे देश में तभी आतंकवाद बढ़ रहा है क्योंकि दोनों ही लोग एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं। कोई भी आतंकवाद से लड़ने को तैयार नहीं है, आतंकवाद को रोकने के लिए तैयार नहीं है कोई, हमेशा ये एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं। पहले वाले ने कहा कि हमारे पास रिपोर्ट है। रोहित जी डबल स्टैंडर्ड लेके बैठता ही नहीं हूँ सर। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए, इन्होंने संघीय आतंकवाद कहा था या भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद कहा था? आपका योगदान रहा है, जब इतिहास लिखा जाएगा मिस्टर रोहित सरदाना, हाँ आपका नाम उसमें दर्ज किया जाएगा। ओके सर, कैसे इसको मैं चेतावनी समझूं, जानकारी समझूं या कांग्रेस की तरफ से धमकी समझूं? नहीं, बहुत बात। खेड़ा जी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। पवन खेड़ा जी, मैं आपको चेतावनी समझूं, जानकारी या धमकी? ऐसा नहीं हो सकता ना। एक भारतवासी आपको आईना विनम्रता से आपसे अनुरोध करता हूं, कैसे आप देश को बांटते हैं सुबह से शाम? चलिए ठीक है सर, यू आर डिवाइडिंग दिस कंट्री। आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आप ना आपकी पार्टी की तरफ से ऑफिशियली बैठे। सुधांशु त्रिवेदी बोलिए, क्या आज कांग्रेस के पास डिफेंस नहीं है इसलिए बहस को डिरेल किया जा रहा है? सुधांशु त्रिवेदी लास्ट कमेंट जल्दी से। मैं ये कहना चाहता हूं, दिसंबर 2008 राज्यसभा की प्रोसीडिंग में चिदंबरम साहब ने एज गृह मंत्री सेफरन टेरर वर्ड यूज किया है, यह डॉक्यूमेंटेड है। इसके अलावा राहुल गांधी जी ने बकौर विकीलीक्स, मैं दावा नहीं करता वो सच है नहीं, मगर आज तक खंडन नहीं हुआ है, हिंदू टेररिज्म वर्ड यूज किया गया। अगर यह बात कह रहे हैं किसी को सर्टिफिकेट देना, तो मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं पवन खेड़ा जी से, आरएसएस को सर्टिफिकेट तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 62 की लड़ाई में, लाल बहादुर शास्त्री 65 की लड़ाई में, और 70 के दशक में 1973 में जयप्रकाश जी लड़ाई आरएसएस के सर्टिफिकेट की नहीं है यहां पर। वो तो चाह रहे थे कि इस पर चली जाए बहस, और आप चले भी गए इस पर बहस पर। फिलहाल इतना ही।